to the show, adding extra to ordinary. And today I have with me an extraordinary individual who is vibrating with life, beauty, elegance, grace. She's subtitle winner of Mrs. Faridabad 2018, and her enthusiasm is so infectious that I knew her story is going to be so inspiring to all of you, our readers, our viewers. So let's welcome Miss Sonia Chaudhry, founder of Real Essence Salon, to our show, adding extra to the ordinary. Thank you for having me. Thank you. Pleasure. Wonderful, wonderful. So we want to know more about you. Sure. Let's start right from the beginning, from your childhood till date. What's the journey been like? So I belong to a very middle class family. And we people belong to, you would say, a gaon, a village. Wow. Yeah. Wow. Yeah. So, meri upbringing jo hai, wo bahut hi basic hui, jaise har bacche ki hoti hai jo middle class se belong karta hai. My father served in Haryana police, and now he is retired. He was a very fearless person. So, हम लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत ही बेसिक जो एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है, वैसे भी हम पढ़े और उसके बाद जैसे हमारे में शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो ऐसे मेरी शादी भी जल्दी हो गई. ऐसा प्रेशर से नहीं, पर ये हमारे सोसाइटी में है, स्पेशली जाटों में और जो थोड़ा गांव की तरफ रहते हैं, तो वहाँ पे शादियाँ थोड़ा जल्दी हो जाती है. तो आई गॉट मैरिड लिटिल अर्ली, दैट्स इट. मेरी पढ़ाई हुई, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ. I was very average in studies. I was very average. पर मैंने उस चीज को कभी ऐसे नहीं लिया कि ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाई तो कुछ और नहीं कर पाऊंगी. मैंने अपना आर्ट को थोड़ा सा पॉलिश किया मेरे हस्बैंड की हेल्प से, और नाउ आई एम हियर. दिस इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी हैज सच अ सिंपल बैकग्राउंड. मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई एक्चुअली थॉट that attitude one. Oh, no. And this really is very interesting. And you told me once that, you know, you were pretty much conservative, or there was, it's like now you're opening up. I would say my family was a little conservative. So वो चीज मेरे में भी थोड़ा आई. पर ऐसा ये चीज तो अंदर होती है आपके, आप कंजर्वेटिव हैं, आप शाय हैं, आप इस तरह से हैं, कैसे भी अंदर होता है. तो ये आपके सराउंडिंग्स आपको चेंज करती हैं. तो जब मैं बाहर निकली मेरे हस्बैंड की हेल्प से, या मैं बार बार फोकस करूंगी इस चीज पे क्योंकि ही इज माय मेंटर, ही इज माय फ्रेंड, ही इज वन मैन आर्मी. उसने ही सब कुछ करके दिया क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी ऐसा कि कैसे मैं मेरी आर्ट को पॉलिश करूं, मैं बाहर आऊं, मैं सैलून खोलूं. तो ये सब उसकी मदद से हुआ. तो मैं कंजर्वेटिव तो नहीं कहूंगी कि मैं थी, ये तो हर एक के अंदर होता है सब कुछ, और आपकी सराउंडिंग्स आपको चेंज करती है. तो लाइक वाइज मेरे हस्बैंड और सराउंडिंग्स ने थोड़ा मुझे भी चेंज अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स देख रहे थे, हम लोग एसोसिएटेड भी थे मिसेस फरीदाबाद 2018 से, ये नोटिस किया, इट इज द हस्बैंड्स हैव स्टार्टेड मोटिवेटिंग देयर वाइव्स टू गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, डू समथिंग, क्रिएट अ नेम फॉर देमसेल्व्स. एंड मैंने आई पर्सनली फेल दैट अ लॉट नाउ कि इट इज द हस्बैंड्स मोर देन द पेरेंट्स हु आर मोटिवेटिंग. हाँ, ऐसा अभी मतलब मैंने मेरे एक एग्जाम्पल के बाद मुझे फिर और भी ऐसे दिखने लगे एग्जाम्पल. ऐसा होता है जो चीज हो जाए तो और दिखती है. तो दिखते हैं मुझे भी ऐसे लोग जो मोटिवेट कर रहे हैं, बुटीक खुलवा के दे रहे हैं अपनी वाइफ को, या जो भी वो करना चाह रहे हैं वो उनको मना नहीं कर रहे हैं. तो मना ना करना भी एक तरह से आगे भेजना ही है. मेरे केस में तो प्रवीण इज लाइक, उसने मुझे, वो मेरे पीछे ऐसे खड़ा है और मुझसे सब काम करवा रहा है. मैं ये भी बोलने में शर्म नहीं करूंगी कि उसने अपनी सारी जो एक होती है जमा पूंजी, जो जनरली लोग अपनी बीवी पे ऐसे लगाते नहीं है, तो उसने वो सब लगाई, मेरे लिए सैलून खुलवा के दिया. और बिना ये सोचे कि ये फेल होगा, पास होगा, क्या होगा, उसने कुछ नहीं सोचा. उसने बोला आपको पसंद है, आपके अंदर ये आर्ट है, तो आपके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ. आई थिंक इट वाज परफेक्ट, इट्स अ परफेक्ट डिसीजन गोइंग बाय योर लुक्स, बाय योर नेचर.
this enthusiasm that is very unmistakable. And many have noticed that when you are in this business, you are in the business of actually creating beauty and spreading happiness. Yeah, exactly. So it must be feeling good also. Like yes, yeah. Transform so many lives. Yeah, जो वो brides हमारे इधर से तैयार होके जाती हैं और जो उनके face पे वो satisfactory smile होती है और रात को फिर हम बहुत satisfaction होते हैं. That yes, you made a life. I mean, you transformed someone's life. अब इसमें जो है, do we have like I'm sure I personally have faced a lot of challenges. Are there challenges that you face in this profession or even in personal life? Yeah, I would like to point out some of challenges जो day to day में हमें face करने पड़ते हैं. पहला तो जो हमारी industry में fake products हैं जो हर नुक्कड़ परचूने की दुकान पे मिलने लगे. हाँ, उनको लेके जो क्लाइंट्स हैं वो खुद ही सेल्फ ले लेते हैं, सर्विस करते हैं या क्या होता है ना हमारी इंडस्ट्री में जो बाकी सैलॉन्स हैं, एक तो कंपटीशन इतना है, दूसरा भी एक चीज है, चैलेंज है, ये कंपटीशन है और वो बहुत हेल्दी नहीं है. तो लोग किसी भी हद तक हमारी इंडस्ट्री में, आई एम सॉरी मैं इस इंडस्ट्री की हूँ पर मुझे कहना पड़ रहा है, करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट्स को. तो क्लाइंट्स का एक तो फेथ उठ गया है इस इंडस्ट्री से और वो हमारे पास जब आते हैं तो हमें उनको इतना समझाना पड़ता है कि नहीं ये चीजें ठीक हैं, आपको ठीक करेंगे, लेकिन वो इतनी जगह से खराब हो चुके होते हैं कि उनका माइंड सेटअप जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं यहाँ पे भी सब खराब ही होगा. तो हमें इतना समझाना पड़ता है बहुत. दूसरा एजुकेशन, जो लोग रन कर रहे हैं वो एजुकेट नहीं है, ना स्टाफ एजुकेट है, किसी को भी रख लेते हैं, चार लोग मिले उनको रख लिया और सलोन तैयार, ये नहीं है. हम लोग, मुझे लगता है जैसे डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही हैं, क्योंकि हम भी थेरेपिस्ट हैं. yes. तो हमारा काम भी ब्यूटी को निखारना ही है, थेरेपीज ही है. लेकिन अभी इतना कुछ कंपटीशन, फेक प्रोडक्ट्स, आप लगा लो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इन सब से ट्रेनिंग खराब हो गया है. that तो जो फेथ है ना क्लाइंट्स का वो चला. अच्छा सोनिया, एज यू हैड सेड कि आपकी अपब्रिंगिंग कंजर्वेटिव थी, बहुत सिंपल से फैमिली. तो नाउ दैट व्हाट वी सी हियर, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू इट एंड अलोंग विद वेरियस चैलेंजेस, हाउ डिड यू ओवरकम? ओह, दैट वाज अ रियल चैलेंज. एक्चुअली कंजर्वेटिव फैमिली का मतलब ये होता है कि आप जो ये शॉप खोल रहे हो ये एक नाई की दुकान हो गई. तो हमें वो जो एक अप्रूवल होता है ना कि कोई बिजनेस खुला है वो नहीं मिला था. इनफैक्ट वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वो उतना खुश भी नहीं थे और वो हमारी ओपनिंग पे एक तरह से बहुत ही प्लेजेंट मूड में आए भी नहीं थे. उनको ये था कि ये खोल लिया है, क्या है, नाई की दुकान है, चलेगी नहीं चलेगी. तो पीपल हमें देखते थे कि जैसे कि नाई की दुकान भी जिस तरह से देखा जाता है, एक हमारे इधर एक वर्ड बोला एक परसेप्शन, हाँ, बहुत अच्छा उसमें नहीं देखा जाता था. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन कैसे एक रेपुटेशन बनाई जाए इस काम में होते हुए भी और औरों को इंस्पायर किया जाए कि ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, जबकि अब ये काम इतना बड़ा है कि लोग हमें देख के और सलॉन्स खुल रहे हैं बहुत ही अच्छा. उनको देखो वो इतना ट्रांसफॉर्म खुद हो गई हैं और इतना ब्रांड उन्होंने बनाया है. तो अब वही लोग जो कभी मुझसे मिलना पसंद नहीं करते थे अब वही लोग मिलते भी हैं और बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि ठीक है कोई सोनिया चौधरी है और वो मेरी फ्रेंड है. काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीजें हमने फेस करी और बहुत ही कई बार तो मुझे बहुत डीमोटिवेट, मतलब मैं डीमोटिवेट भी हुई पर मेरे एज आई सेड की प्रवीण जो मेरा बहुत सॉलिड सपोर्टर रहा है उसने समझाया कि ये सब आएगा, यही लोग हैं जो आपको आगे आपसे आगे भी आएंगे, आपसे हाथ भी मिलाएंगे, इंस्पायर भी होंगे, जो आपको आज देख लेंगे तो नाई की दुकान चलाती है. वाह वाह, आई थिंक इन्हीं लोगों के वजह से वी मस्ट हैव समवेयर सबकॉन्शियसली टेकन दैट एक्स्ट्रा स्टेप, एक्स्ट्रा एफर्ट. यस, एग्जैक्टली. तो लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस भी आती है, जस्ट टेक इट लाइक, नॉट डोंट टेक इट लाइक व्हाई मी, just take it like try me, the way she has done it, and then you can actually fulfill all your dreams. And any messages for our viewers, and especially women, like there are a lot of women who have this passion to spread beauty, to train themselves, lekin inhi inhibitions ke wajah se nahi paate. Message for बिल्कुल बिल्कुल. मेरे पास अभी हम लोग अकेडमी भी स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत सारे घरों से जो अभी जिन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी है वो लोग आते हैं, लेडीज आती हैं जो कुछ कहती हैं हमें कुछ ऐसा सिखा दिया जाए कि हम घर बैठे कुछ कर सके. तो ये कोर्सेज भी हमारे पास चल रहे हैं
और बहुत सारे लोग सक्सेसफुली कोर्सेज करके जा भी चुके हैं और अपना चला भी रहे हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं बाद में कि आपकी वजह से हमारा, मेरी वजह से नहीं है, उनकी अपनी मेहनत है वो कर रहे हैं. तो ऐसे ऐसे घरों से लोग आए हैं इस ब्यूटी इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में, हेयर इंडस्ट्री में, कि जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता. तो वो लोग अब अपना काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनका, वो कोई स्टेटस है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लेडीज को मांगना नहीं पड़ता पैसा कि पति से हर महीना पैसा दे दो, उनके पास अपना खर्चे के लिए या पैसे हैं. तो बहुत कुछ है अगर आप करना चाहें. किसी के पहनावे, भाषा से आप उसकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकते, कहाँ चला जाए नहीं कह सकते. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. और एक कहावत है दैट योर स्किल्स आर फॉर द अदर्स, एंड इफ दोस स्किल्स आर नॉट यूज्ड इन दिस बर्थ दे विल बी टेकन अवे इन द नेक्स्ट बर्थ. सो जितनी स्किल्स है उतनी ही बढ़ती रहेंगी. वी विश यू ऑल द सक्सेस. थैंक यू सो मच. मे यू जस्ट ग्रो by leaps and bounds. Thank you. You're such a wonderful person. And I realize in success one has to have that humility, gratitude, which of course. This lady has. And thank you. May you inspire more lives. Thank you so and wish much. You all the success. So this is Roopa signing off from the program, adding extra to the ordinary, and decide that you add that little extra bit to your ordinary life and transform someone's life. Do tune in to Creation 21. Watch, like, and subscribe, and we will come up with another inspiring story at the channel Creation 21.